नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुक जाना नहीं योजना 2019 12th क्लास के टाइम टेबल के ऊपर, और दोस्तों कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, और दोस्तों पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसका फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप 2019 में फेल हो जाते हैं तो आपको दोस्तों किस तरीके से इसका फॉर्म भरना है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ जो नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसे आप प्रेस कर दीजिए, उसी के बाजू में एक बेल का आइकन होगा उसे आप ज़रूर दबाएं ताकि दोस्तों आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को आपके रिजल्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास की, जो कि आपका रिजल्ट दोस्तों 13 से 15 मई के बीच में आना है। अगर 12th क्लास में दोस्तों आप दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप दोस्तों फेल माने जाओगे। सपोज जैसे आपके 12th क्लास में दोस्तों 5 सब्जेक्ट होते हैं और दोस्तों आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो दोस्तों आपकी सप्लीमेंट्री आएगी, आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं और पास हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप जब दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप फेल माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपको 12th क्लास दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आपका एक साल बचाने के लिए रुक जाना नहीं योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, जो कि 2016 से चालू है। तो दोस्तों इसका टाइम टेबल जारी हो चुका है, अगर आप दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो दोस्तों आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और इसका फॉर्म आपका MP ऑनलाइन के माध्यम से आप भर सकते हैं। जिस भी विषय में आप फेल होंगे दोस्तों उसी का आपका फॉर्म भरना पड़ेगा और उसी का आपका पेपर होगा। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होता है MP बोर्ड से नहीं होता है, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, ये आपका MP बोर्ड नहीं होता है, ओपन बोर्ड होता है। और दोस्तों जो इसकी मार्कशीट होती है पूरी तरीके से वैलिड है, सभी गवर्नमेंट जॉब और कॉलेज एडमिशन में आप इसकी मार्कशीट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों पहले चांस में पास हो जाते हैं तो आपका साल पूरी तरीके से बच जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप पहले चांस में फेल हो जाते हैं और अगर आप सोचते हैं कि सेकेंड चांस में आप पास हो जाएंगे तो दोस्तों आपका साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसका जो सेकेंड चांस का रिज़ल्ट आता है आपका नवंबर दिसंबर तक आता है। लेकिन दोस्तों जो इसका फर्स्ट चांस का रिज़ल्ट रहेगा आपका जुलाई तक आ जाएगा। तो ये है कि कुछ नहीं तो आपका एक साल तो बच जाएगा, आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप दोबारा 12th क्लास रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका टाइम टेबल आ चुका है, मैं आपको 12th क्लास का टाइम टेबल दिखा देता हूँ। मैंने दोस्तों 10th क्लास की अलग से वीडियो बनाई, अगर आप 10th क्लास के हैं तो 10th क्लास की वीडियो वहाँ से देख लीजिए, उसमें मैंने आपको टाइम टेबल बताया है। दोस्तों ये MPSOS की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइम टेबल RJN एग्ज़ाम जून 2019 क्लास 12। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो कुछ इस तरीके से आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपको टाइम दिया, पेपर को जो टाइम है दोस्तों सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा। अगर हम बात करें पेपर आपके 6 तारीख से चालू हो रहे हैं और जो 10th क्लास है दोस्तों उनके भी 6 तारीख से पेपर चालू हो रहे हैं। आपके 6 तारीख से लेके दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 तारीख तक आपके पेपर चलेंगे। अगर हम लोग बात करें दोस्तों 6 तारीख तो आपको देख सकते हैं ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, इस तरीके के आपके पेपर हैं। 7 तारीख को आपका संस्कृत का पेपर है, 8 तारीख को आपका हिस्ट्री, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर रहेगा। वहीं 10 तारीख की बात की जाए तो दोस्तों बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी का पेपर है। 11 तारीख का आपका दोस्तों सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन सब का पेपर है। वहीं 12 तारीख को पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स और दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है इनका पेपर है। वहीं 13 तारीख को आपका बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का पेपर रहेगा। 14 तारीख की बात की जाए तो दोस्तों आपका सेकेंड लैंग्वेज का पेपर है। वहीं 15 तारीख को दोस्तों आपका मेन जो स्पेशल लैंग्वेज होगी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज उसका पेपर होगा। 17 तारीख को दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का पेपर और लास्ट दोस्तों 18 तारीख को आपका IP का पेपर होगा, साथ में अगर आपने इंडियन म्यूज़िक सब्जेक्ट लिया है तो इसका पेपर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके 6 तारीख से लेकर 18 तारीख तक पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।